हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले ये समझें कि कोई भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिम्बॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास एक एलिमेंट है एक्स, तो उसमें सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है एटॉमिक मास या मास नंबर। ए इज एटॉमिक मास या मास नंबर, एक ही बात है, और सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और उसका एटॉमिक मास 23। ठीक है, तो ये किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है और इसमें आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी आपके पास है। अभी हम एग्जांपल में समझते जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सिंबॉलिक फॉर्म है किसी भी एलिमेंट का। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये ध्यान रखना। सेम एलिमेंट के ऐसे ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो वही है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। अब हम इसमें एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और तीनों के मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में नेम भी दिया हुआ है इन्होंने। एक आइसोटोप होता है H11 प्रोटियम, ड्यूट्रियम होता है H12 और ट्रिटियम होता है H13। तो आप यहां देखेंगे नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है 1, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 और सुपरस्क्रिप्ट में क्या रिप्रेजेंट किया हमने? एटॉमिक मास या मास नंबर। यहां पर 1 है, यहां 2 है और यहां पर 3 है। क्लियर? तो अब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। प्रोटॉन्स कितना होता है? अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम जेड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर न्यूट्रल एटम नहीं है, चार्ज्ड है, तो ये नहीं होगा। बाकी एटॉमिक नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो हमेशा हमेशा ट्रू है बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? 1, इसका भी प्रोटॉन 1, इसमें भी प्रोटॉन 1। फिर प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन भी 1 क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटोन है। क्लियर? जितना एटॉमिक नंबर है, हम एटॉमिक नंबर भी लिख लें, चलो जेड एटॉमिक नंबर सबका 1। ठीक है, और लास्ट में हम मास भी लिख लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया। लास्ट में हम सबका मास नंबर भी लिख लेते हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है ए माइनस जेड। पहले ए लिख ले, इसका ए, ए मीन्स एटॉमिक नंबर या एटॉमिक, ए इज एटॉमिक मास और मास नंबर। इसका 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्रिटियम का 3। ठीक है, अब ए माइनस जेड कर दोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए माइनस जेड, 1 माइनस 1 0, देन 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर सबका 1 है और मास नंबर सबका डिफरेंट है, एंड दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एक चीज और, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके काम आएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं पहले हम। 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर सबका 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, नीचे का दिख नहीं रहा शायद, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कार्बन एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। ठीक है, तो 3 आइसोटोप्स हो गए, जेड सबका 6, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास सबके डिफरेंट है। क्या क्या है? कार्बन 12 का है 12, देन 13 वाले का एटॉमिक मास 13, कार्बन 14। ठीक है, इसका हम ऐसे लिखते हैं C12, C13, C14, मतलब ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास।
मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, अब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स देख लें, सिक्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी सिक्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, ए माइनस जेड, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, 12 माइनस 6, 13 माइनस 6, 14 माइनस 6, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। तो क्लियर हो गया, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है सेम, क्या सेम है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटोप्स। नेक्स्ट मेन एग्जांपल ये आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर 16, 17, 18। तीन आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के, एक का एटॉमिक मास 16, एक का 17, एक का 18। ठीक है, तो जेड सब 8, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर 16, एक का 17 और एक का 18। प्रोटॉन्स कितने होंगे, उतने ही जितने एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूट्रल अगर एटम है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करोगे, ए माइनस जेड, 16 माइनस 8 देन 17 माइनस 8 देन 18 माइनस 8। इस तरह से आप आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई अच्छे से, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटोप्स। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 10 एटॉमिक नंबर। ठीक है, जेड सबका सेम है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और मास नंबर है 20, 21, 22, मास नंबर 20, 21 और 22, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने होंगे, उतने ही जितना एटॉमिक नंबर है, अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड, 20 माइनस 10 देन 21 माइनस 10 देन 22 माइनस 10। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। अभी जो हमने एग्जांपल लिए चार एग्जांपल्स, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, या जब भी आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ऐसा भी लिखते हैं हम, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, तो क्या क्या सेम है, 17 सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम, और अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे। अब मास नंबर कितना है, 35 एंड 37, तो मास नंबर डिफरेंट है 37 एंड 35, और मास नंबर डिफरेंट है इसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ए माइनस जेड। ठीक है, ए 37 माइनस जेड 17, तो एक का आया इतना और दूसरे का आया 35 माइनस 17। ठीक है, तो डिफरेंट मास नंबर हो गया, डिफरेंट मास नंबर, एक का 35 एक का 37 एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो क्या एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। अब एटॉमिक नंबर कितना है, 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287, मतलब वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी कितनी होगी, 1। ठीक है, वैलेंसी 1 है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अदर एलिमेंट्स के साथ साथ में सेम होगी, मतलब केमिकल बिहेवियर सेम होगा, मींस केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज देयर मास नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक मास इज डिफरेंट, सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक का मास ज्यादा है 35 है, एक का मास ज्यादा है 37 और एक का मास है 35, तो मास डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसलिए दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। ठीक है, तो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। चलिए, अभी हमने जितना पढ़ा उसको टेक्स्ट बुक से एक बार देख लेते हैं। इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, बता दिया था मैंने। एटॉमिक नंबर सबका 1 है, लेकिन मास डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ऐसे ही कार्बन के दो आइसोटोप्स लिखे हैं, कार्बन 12, कार्बन 14, मैंने तीनों बता दिए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसके बाद क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37।
On the basis of these examples, isotopes are defined as atoms of the same element having same atomic number but different mass number. समझ में आ गया, अच्छे से याद भी हो गई. Therefore, we can say that there are three isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. Many elements consist of a mixture of isotopes. Element में mixture of isotopes होंगे, ऐसा हो सकता है. उसी को हम आगे कर रहे हैं. Each isotope of an element is a pure substance. आइसोटोप है एलिमेंट का. एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है ना. पढ़ा है हमने प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. इम्प्योर में क्या होता है? मिक्सचर्स. ठीक है, तो ईच एलिमेंट, ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर. अभी बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, यही पढ़ाया था कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. क्यों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. ऑल्सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. अभी जस्ट बताया था डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि उनका मास, एटॉमिक मास डिफरेंट है. एटॉमिक मास डिफरेंट होने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनमें चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब हम कर रहे हैं कि क्लोरीन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों है. क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 U. क्लोरीन के दो आइसोटोप्स अभी हमने पढ़े, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. तो ऐसा क्यों है कि उसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है और कैसे हम कैलकुलेट करें वो हम करने वाले हैं. क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स विद मासेस 35U एंड 37U. और किस रेशियो में प्रेजेंट है ये? नेचर में 3:1 रेशियो में प्रेजेंट है. अब हम कैसे इसका एवरेज निकालें उसको देखते हैं. ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम? क्या हम 35 ले मास या हम 37 ले? नहीं, हम क्या लेंगे? इनका एवरेज. एवरेज कैसे निकालेंगे? किस रेशियो में प्रेजेंट है ये या किस परसेंटेज में प्रेजेंट है ये नेचर में, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं. अभी एक पैरा और कर लें फिर आगे करते हैं कैलकुलेशन. द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. अगर किसी एलिमेंट के कोई आइसोटोप नहीं है तो मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. मास कितना होता है? मास, एटॉमिक मास will be equal to sum of protons and neutrons. अगर उसका कोई आइसोटोप नहीं है तो ये उसका एटॉमिक मास हो जाएगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दोगे, दैट विल गिव यू एटॉमिक मास. क्लियर? बट इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटोपिक फॉर्म्स, जैसे अभी हमने बहुत सारे आइसोटोप्स किए, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, क्लोरीन का, नियॉन का, अगर आइसोटोप्स हैं तो वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म एंड देन द एवरेज मास इज कैलकुलेटेड. तो अब हम एवरेज मास क्लोरीन का कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर आपको ये गीवन है 3:1 आपके पास है, नोन है किस रेशियो में नेचुरली वो प्रेजेंट है, तो हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35U, उसका मास है, किस रेशियो में प्रेजेंट है वो? 3:1. 35U और 37U 3:1 रेशियो में प्रेजेंट है. तो ये किस परसेंटेज, पहले हमें निकालना पड़ेगा कितना परसेंट है. 35U का परसेंट कितना है? परसेंट ऑफ 35U उसका रेशियो पार्ट अपॉन सम ऑफ रेशियोज इनटू 100. दो मेथड बताऊंगी इसको करने के, दो मेथड बताती हूँ. अलग अलग अप्रोच से किया जा सकता है. देखो एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स में तो होता ही नहीं कि क्वेश्चन का हम अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं. मैं दोनों बता देती हूँ, फिर आपको जो इजी लगे वो आप प्रैक्टिस में रखिएगा. 35U का परसेंट हमें निकालना है, तो उसका रेशियो पार्ट अपॉन सम ऑफ रेशियोज इनटू 100. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4:25 100 और 75% हमें मिल गया 3:25. ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज ऑफ 37U कितना होगा? उसका रेशियो पार्ट 1 अपॉन टोटल सम ऑफ रेशियोज इनटू 100, तो ये 25%. ऐसे भी एक 75% है तो ऑब्वियसली 100 माइनस 75 करोगे दूसरा 25% आ गया. एक तो ये अप्रोच है. दूसरी अप्रोच, परसेंट हमें निकालना है 35U का, तो क्या करें हम? ये जो आप छोटी क्लासेस पढ़ते थे ना 7th 8th में, अगर आपको रेशियो दिया है 3:1, तो लेट 3x एंड 1x बी द एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास नहीं लेंगे, लेट 3x
एंड 1x, क्या लें इसको, क्या लें इसको, क्या लिखे, 3x एंड 1x बी द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ 35u एंड 37u रेस्पेक्टिवली। अब परसेंटेज दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। तो 3x प्लस 1x 4x दैट इज इक्वल टू 100, इसको सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा, 100 बाय 4 दैट इज 25, ठीक है। तो 1x मिल गया हमें 25%, और 3x कितना आ जाएगा, 3 इंटू 25 दैट इज 75। तो हमें मिल गया 3x वाला, मतलब 3x वाला मतलब 35u कितना परसेंट में प्रेजेंट है, 75%, और 37u वाला कितना प्रेजेंट है, 25%, ठीक है। तो सेम ऐसे ही, चाहे आप इस अप्रोच से करें चाहे आप इस अप्रोच से करें, दोनों ही सही है, किसी से भी कर सकते हैं। तो अब हम एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। 35 अगर एटॉमिक मास है तो उसका परसेंटेज कितना है, 75%, ठीक है। प्लस करेंगे 37u वाला, उसका कितना परसेंट है, 25%। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। मैं 5 से कैंसिल करती हूँ, 25 से कर दें, 25 3 25 4, ठीक है, 25 4 100, ये हो गया 5 3 15, 1 carry 105/4 प्लस 37/4 प्लस करते हैं 142/4 35.5, ठीक है। तो ये आ गया एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लियर हो गया। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों आया 35.5u, क्योंकि ये 3:1 रेशियो में प्रेजेंट है। आगे देखेंगे टेक्स्ट बुक से, लास्ट पैरा, दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5u, इट मींस दैट इफ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप्स, दोनों आइसोटोप्स होंगे, क्लोरीन 35 भी होगा, क्लोरीन 37 भी होगा, और एवरेज मास होगा 35.5u। आगे हैं एप्लीकेशंस, लास्ट टॉपिक आइसोटोप्स, आइसोटोप्स टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक एप्लीकेशंस। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स। तो टेक्स्ट बुक में 3 दिए, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है यहाँ पर। यूरेनियम का आइसोटोप, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं, उसमें से यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। इसके जो आइसोटोप्स होते हैं उनको बम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन्स के साथ, और जो यूरेनियम है वो स्प्लिट होता है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टन, एंड साथ में ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। उस एनर्जी से हम वाटर को हीट करते हैं, स्टीम बनती है, स्टीम से टर्बाइन्स रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इसके बाद है कोबाल्ट का आइसोटोप 60, कोबाल्ट 60 दैट इज यूज टू रिमूव ब्रेन ट्यूमर्स, और कुछ कैंसर्स में यूज होता है, बोन वाले कैंसर में भी इसको यूज किया जाता है। इसके बाद है आयोडीन, आयोडीन का आइसोटोप I-131, ये थायराइड डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है, मेनली गॉइटर जो यहाँ पर हो जाता है ना स्वॉलन नेक, उसमें इसके ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट इससे किया जाता है। लास्ट एप्लीकेशन सोडियम आइसोटोप, ऐसे तो और भी एप्लीकेशन है लेकिन इतना काफी है आपके लिए। सोडियम आइसोटोप, सोडियम का आइसोटोप Na24 दैट इज यूज टू डायग्नोस रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड।